पिछले कुछ दिनों से पूर्वोत्तर दिल्ली में जमकर हिंसा हुई। इसकी चपेट में पेट्रोल पंप आए, कई लाशें मिलीं, कई लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं और ये कई दिनों तक चलता रहा। आज इस पूरे प्रकरण पे बात करने के लिए हमारे पास दिल्ली पुलिस के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक कुमार साहब हैं। सवाल पुलिस पर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर दो दिनों तक जब हिंसा होती रही, आगजनी होती रही, मकान जलते रहे, दुकानें जलती रही, लूटपाट होती रही, रोड़ेबाजी होती रही, तो पुलिस कहाँ थी? यही सवाल जो है सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पुलिस जहाँ भी दंगे हो रहे थे सब जगह डिप्लॉयमेंट, अगर आप देखें चाहे वो 66 फुटा रोड हो जहाँ पे मौजपुर कर्दमपुरी का जो एक्सेस है उस पर, या गोंडा रोड है, ब्रह्मपुरी है, चांदबाग है, करावल नगर है, खजूरी खास है, या गोकुलपुरी है, ये जो मेन स्पॉट्स थे जहाँ पे ज़्यादा मॉब वायलेंस की सूचनाएं आ रही थी, उन सब जगहों पे फोर्स तैनात की गई थी और लार्ज नंबर ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस इंक्लूडिंग DCPs, एडिशनल CPs फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम दिस एरिया एंड दिस रेंज बट ऑल्सो फ्रॉम अदर यूनिट्स, वो सारे सब लोगों को फोर्स के साथ यहाँ पे तैनात किया गया था। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जहाँ उनकी टुकड़ियाँ तैनात की गई थी और कंटिन्यूसली वो मॉब्स के साथ उन्होंने लोहा लिया है और मॉब्स को फिर डिस्पर्स किया है, जहाँ पे भी वायलेंट मॉब्स थी उनको डिस्पर्स किया है। आप ये देखें कि ये एरिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है और उसमें पुलिस ने न सिर्फ बफर का काम किया और उनको हेड ऑन क्लासेस से रोका जिसमें बहुत सैकड़ों जाने जा सकती थी, बल्कि उनको फोर्स का इस्तेमाल करके उनको डिस्पर्स किया इफेक्टिवली। लेकिन ये जो आरोप आ रहे हैं को कम किया है। लेकिन ये जो आरोप आ रहे हैं ये जो कि पुलिस की मौजूदगी में वलभाई जो है वो पत्थरबाजी करते रहे, कई वीडियोज ऐसे वायरल हुए जिसमें खुद पुलिस पत्थर चलाती हुई नजर आ रही है और एक पूरा समूह जो है वो पुलिस के साथ जा रहा है और वो अटैक कर रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या उस पर आप कुछ? नहीं, मैं तो कई जगहों पे खुद था मौजूद जो फोर्स के साथ लीड कर रहा था, तो हमारा एक ही मकसद, एक ही ध्येय था पुलिस का कि जो वायलेंट मॉब्स हैं उनको वायलेंस से रोकना है, उनको डिस्पर्स करना है। तो ये कौन थे लोग जो पुलिस के साथ पथराव कर रहे थे, मिलकर जो वीडियोज आ रहे हैं? अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो डेफिनेटली वो जांच का विषय होंगी और उसमें जो जांच में ऐसी चीज़ अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ एविडेंस है तो हम लोग उसमें देखेंगे जांच के आधार पे। लेकिन ये भी है कि CCTV कैमरे खुद पुलिस वालों को दिखाया गया है वीडियोज़ में कि वो तोड़ रहे हैं और फिर उस जगह पर हिंसा होती है, उस जगह पर दंगा होता है, उस जगह पर आगजनी होती है। जैसा मैंने बताया कि जिस तरह की घटनाएँ आप बता रहे हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना हमारे संज्ञान में आती है और हमें कोई इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो उसके ऊपर जांच कराई जाएगी, निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसमें अगर कोई दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये था कि बीच में एक और वीडियो आया था जिसमें पुलिस वालों को दिखाया गया कि वो जो नेशनल एंथम गाने के लिए मार रहे हैं कुछ लोगों को, उसमें से एक की मौत भी हो गई है। देखिए, इसमें भी हमने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है और जो भी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक जो अखबारों में आ रहा है और जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट जाकर अपना अकाउंट लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि ये पुलिस का इनएक्शन था, क्योंकि पुलिस तब हरकत में आई जब तीसरा दिन हो गया लेकिन दो दिन तक ये इलाका जलता रहा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही मैं इस चीज़ को रिफ्यूट करता हूँ कि पुलिस का इनएक्शन था या पुलिस वहाँ पर नहीं थी जहाँ वायलेंट क्लासेज की खबर आ रही थी। आप देखेंगे हमने पूरा उसका एक खाका हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम भी उस समय तो एक्चुअली स्ट्रीट्स पे थे और जो वायलेंस था उसको बैटल कर रहे थे, लेकिन हमने फोर्स किस तरह से मोबिलाइज किया है, कैसे फोर्स पंप इन की गई है लगातार कंटिन्यूसली अफेक्टेड एरियाज को, कैसे कवर किया गया है पुलिस एक्शन के द्वारा, कैसे लोगों को डिस्पर्स किया गया है, पुलिस ने कहाँ कहाँ फोर्स का इस्तेमाल किया है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है और इसमें मुझे यकीन है कि द पुलिस फोर्स विल कम अनस्कैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये कहा जा रहा है कि SOS कॉल्स होते रहे पुलिस हेल्पलाइन पर, 100 जो है उसको डायल करते रहे लेकिन पुलिस की मदद पहुंची नहीं और आगजनी होती रही और तब जाकर 1 बजे रात में किसी को रेस्क्यू किया गया, कोई 2 बजे रात में हुआ लेकिन ये तांडव जारी रहा, रिस्पॉन्स नहीं आया। आप ये देखिए, आपको ये सिंपल स्टेटमेंट से ये चीज़ें नहीं समझी जा सकती हैं। आप स्केल ऑफ वायलेंस, ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ वायलेंस देखिए और उस और जो नंबर ऑफ कॉल्स आ रही थी उसको देखिए, उसके हिसाब से उसके ही उसमें आप पुलिस के रिस्पॉन्स को देख पाएंगे, क्योंकि देयर वर टाइम्स जबकि फॉर एग्जाम्पल ऑन 24th 4000 के आसपास कॉल्स आई हैं, तो
और मॉब वायलेंस कई जगहों पे हो रहा था, और उस बीच में भी पुलिस ने न सिर्फ मॉब्स को कंटेन किया, वायलेंस को कम किया है, जो डैमेज है उसको कम किया है। तो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज की स्टोरीज हैं जिनको पुलिस ने अपनी जान दांव पे लगा के रेस्क्यू किया है, और उस वायलेंस के बीच में भी, जब वायलेंस भी हो रहा था, एक तरफ वायलेंस को भी कंटेन करना है और साथ में जो स्ट्रैंडेड फैमिली है, जहाँ SOS कॉल्स जहाँ से आ रही है, उनको भी रेस्क्यू करना है। ऐसे हमारे हंड्रेड्स ऑफ हमारे पास ऐसी स्टोरीज हैं ऐसे लोगों की, जिसको डेफिनेटली हम अब देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपाइल करें और दुनिया के सामने ला सकें। शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल साहब का आरोप है कि वो MP होने के बावजूद वो फ़ोन करते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कह रहे थे कि लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, मलबाई जो है वो आ गए हैं और पूरा मॉब आके घेर लिया है चारों तरफ से, निकलने का रास्ता नहीं है। वो फ़ोन कर रहे थे पुलिस को लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन मैं देखता हूँ ये कहाँ का मामला है और क्या उसमें क्या मदद जल्दी पहुँचाई जा सकती है, लुक इन टू दैट। लेकिन एक चीज़ है जॉइंट कमिश्नर साहब के, ये जो मॉब को इंसाइट करने वाले जो मामले हैं, हेट स्पीचेस, चाहे वो किसी भी दल की हो, एक तरफ एक पार्टी तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी के दो नेता, मैं नाम नहीं लूँगा उनका चूँकि वो यहाँ मौजूद नहीं है अपना बचाव करने के लिए, लेकिन ये जो हेट जो स्पीचेस हुई हैं, क्या इसकी वजह से माहौल ज़्यादा ख़राब हुआ है? देखिए, एक तो ये मुकदमा सब जूडिस है इनफैक्ट, तो इसलिए मैं इस पर अभी फ़िलहाल कमेंट करना नहीं चाहूँगा। आज भी हियरिंग थी और फिर शायद फ्राइडे को होगी, तो अभी इसके बारे में फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन क्या इस पर कार्रवाई होगी? जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे इसमें, जिन लोगों की वजह से हुआ, क्या वो आइडेंटिफाई हो पाएंगे? क्या उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है? कितने केसेस हुए हैं, कितने FIR हुए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं अभी तक? देखिए, 531 केसेज अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं टोटल, और इन्वेस्टिगेशन में तमाम फैक्ट्स सामने लाए जाएंगे और इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी है उनको जरूर हम दिल्ली पुलिस उन तक पहुँचेगी। अभी तक गिरफ्तार कितने हुए? अभी तक 28 लोग एज ऑफ नाउ गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी आइडेंटिफिकेशन जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम आया, क्योंकि इतने सारे फोर्सेज यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन इल्ज़ाम आया, चाहे हालांकि आपके ACP हेड कांस्टेबल की डेथ हुई, ACP इंजर्ड है, DCP इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद भी कटघरे में दिल्ली पुलिस क्यों खड़ी है? ये मैंने जैसा आपको बताया कि अभी सारे तथ्य लोगों के सामने नहीं आए हैं। शुरू में लोगों ने आधे अधूरे तथ्यों के ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई है, मैं ये कहना चाहूँगा जब सारे तथ्य सामने आएंगे तो ये दिखेगा कि दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है और इस स्केल ऑफ वायलेंस को भी 36 घंटे में कंट्रोल किया है। जैसे काम में जैसे मैंने बताया आपको कि मॉब वायलेंस को कंटेन करना, जो लोग ट्रैप्ड थे उनको रेस्क्यू करना, किसी भी तरीके के सिटीजन्स की जो लाइफ और प्रॉपर्टी की हिफाजत जहाँ तक संभव हो उसको किया है, और साथ में जैसा मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को इस वायलेंस के बीच में भी रेस्क्यू करना। रेस्क्यू की बात आ रही है तो, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि एम्बुलेंस को जाने दिया जाए? नहीं, ऐसा मतलब ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वायलेंस बाहर हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद है तो वायलेंस को पहले कंटेन करके फिर हम आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ही किया गया है। पुलिस फोर्स को जहाँ जहाँ पे भी SOS मिले हैं वहाँ पे शीघ्रातिशीघ्र उस वायलेंस के बीच में भी मदद पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो ये थे जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जिनका कहना है कि पुलिस ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की ताकि वो वायलेंस को कंटेन किया जा सके, रोका जा सके और ये आग फैले नहीं। और जी, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहूँगा कि जो पेटिशनर हैं उस रिट में, जो अल हिंद हॉस्पिटल के में वायलेंस में, आप उनसे उनसे पूछिए कि उनको पुलिस ने उनके कॉल्स पे, उनके SOS पे कितनी फैमिलीज को रेस्क्यू किया। प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट देम एंड देन प्लीज़ कम बैक टू अस।